व्यासपीठ पर श्रमजीवी कलाकारों की फरियाद, लॉकडाउन मुक्त करो सरकार, कोविड केयर सेंटर में मांगा मनोरंजन का मौका। वाशी के रघुलीला बैंकेट हॉल में नवीन भाई पुनर्वसन सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित तीसरे मुक्त व्यासपीठ में नवीन भाई परिक्षेत्र के ऑर्केस्ट्रा चालकों, गायकों, संगीतकारों और कलाकारों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए लॉकडाउन को हटाने की मांग की। भाजपा नेता दशरथ भगत के नेतृत्व में आयोजित इस मुक्त व्यासपीठ पर अपनी व्यथा सुनाते हुए गायक प्रवीण कदम, कलाकार रामनाथ मात्रे, इवेंट मैनेजर राजेश नाईक एवं किरण भोर समेत कई कलाकारों ने कहा कि 6 महीने के लॉकडाउन ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है, जिससे बच्चों को पढ़ाने, इलाज कराने और चूल्हा जलाने तक का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने उद्धव सरकार से गुहार लगाई कि जब करोड़ों कमाने वाले फिल्मी कलाकारों के लिए शूटिंग की परमिशन दी जा सकती है, तब रोज कमाने वाले श्रमजीवी कलाकारों के पेट पर लात भला क्यों मारी जा रही। 6 महीने से ना कहीं हमारे शोज हुए, ना कुछ इवेंट हुआ है, कुछ भी नहीं। घर की हालत हम खुद से तो बयान नहीं कर पाते। हर एक कलाकार के घर में, जो मेरे घर में हालत है, ये सेम हालत हर एक कलाकार के घर में रहेगी। कितने सारे लोगों का फ़ोन आया कि दादा ऐसी ऐसी बात है, घर में खाने की तक के पैसे नहीं है, ना बच्चों को दूध ला सकते। इस इतनी ख़राब हालत है, फिर भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारी तरफ देख सके। ऐसे तो बड़े बड़े वादे होते कि हम जब बड़े बड़े शोज़ करते हैं, भाई कलाकारों के लिए हम ये कर देंगे, कलाकारों के लिए वो कर देंगे। इतनी ख़राब हालत चल रही है। आपने सब चालू किया, वाइन शॉप चालू किया, सैलून चालू किया, ट्रांसपोर्ट चालू किया, सब चालू किया, अच्छा है। हर एक का पेट चलना चाहिए, हर एक का काम होना चाहिए, बट हमारा क्या? लगभग 6 महीने से हम लोग घर पे बैठे हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी ख़राब हालत है। जो सीज़न था हमारा 3 महीने का, वो भी चला गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ, अभी बारिश आ गई, बारिश चली गई। अभी अगर हमें अगर 6 महीने ऐसे ही जाएगा तो ऐसी हालत ख़राब हो सकती है ना, बहुत, मतलब लोग फांसी लेके मर जाएंगे, ऐसी हालत है फिलहाल। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों को, कलाकारों को ये दिन आए? मेरी विनती है शासन से कि प्लीज़, जो हम जैसे मिडिल क्लास कलाकार हैं, उनके लिए भी सोचे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ पैकेज नहीं, एटलीस्ट हमें हमारा जो शोज़ है, जो हमारे इवेंट्स है, वो करने की हमको परमिशन दे। और अगर आप बोल रहे हो कि आपने भाजी मार्केट वगैरह सब चालू कर दिया, वाइन शॉप चालू कर दिया, वहाँ पर भीड़ नहीं होती? होती है ना, क्यों नहीं होती? हाँ, आज पहले बसेस वगैरह चालू किए, आज बस की हालत देखिए, जैसे मुर्गियाँ भर के जाती है एक गाड़ी में, वैसे हुए तो लोग जा रहे। तो सिर्फ हम कलाकारों को क्यों अलग रखा है? हमारे परिवार नहीं, हमें भूख नहीं लगती, हमें खाना नहीं लगता? तो प्लीज़ हमें मजबूर मत कीजिए कि हम ऐसा कुछ कदम उठाए कि कल को हमारे बच्चे हमें गाली दे के मेरे पिताजी कुछ नहीं कर सके हमारे लिए, इसलिए फांसी लगा के मर गए। तो प्लीज़ मैं विनती करता हूँ सारे कलाकारों की ओर से कि हमारे कार्यक्रम जो है, जो हमारे इवेंट्स है, वो चालू कीजिए प्लीज़। आमचे एक संघटना है नवी मुंबई लोककला परिषद। जेव्हा हा लॉकडाऊन सुरू झाला त्या दरम्यानमध्ये आमच्या कलाकाराने, हे काही झोपडपट्टीत राहणारे मजूर होते किंवा रस्त्यावर चालणारे जे काही व्यक्ती होत्या, त्यांच्यासाठी घरात शिजवून आणलेलं अन्न त्यांनी दिलं की काय मानवतेच्या दृष्टिकोनाने। पण आज त्यांच्यावर ही परिस्थिती आलेली आहे की त्यांच्या घरी अन्न शिजत नाही। मला किती जणांनी फोन केला, दादा 1,500 रुपये असतील तर दे ना। आज आमच्या कलाकाराला 500 रुपये मिळत नाही। काय परिस्थिती आलेली आहे, सरकारला काही कळत नाही का? सगळं कळत आहे, पण आमच्या ह्या कलाकारांना त्यांना बघायला वेळ नाही असं मला वाटतंय। मला वाटतं तुम्ही नाईट लाईफ चालू करायचे विचार करताय, पण आम्ही कलाकार नाईटवरच जगतोय। आम्हाला जर नाईट मिळाली तर आमचं घर चालतंय। आज आम्ही कुठं जायचं, कुठल्या नाईटमध्ये जायचं? आज त्या कलांनाही सगळं विसरलं, फक्त कला फक्त त्यांचं एंटरटेनमेंट करण्यापुरतं राहिलेलं आहे। कलाकार आला, त्याला पाकिट दिलं, तू तुझा मी माझा जा चल। पण आज तुमचा कलाकार भरतोय, त्याला कोणी बघायचं? माझं सरकारला एकच सांगणं आहे, जसं ह्या कलाकारांना थोडं तरी काय होईना, पण
जी का शासनाचे बंधन आहेत ते पाळून आम्ही आमचा कलाकारांना कार्यक्रम करण्याची मुभा द्यावी, त्यामुळे आमचा संसार चालायला, आम्ही आत्मनिर्भय हो, नाही दिले तुमचे पैसे तरी चालतील, काय आमच्या अकाउंटला टाकलं तरी चालतील, पण आम्हाला कलाकारांना पावडर लावायची, आम्हाला स्टेजवर नाचण्याची, आम्हाला कला दाखवण्याची मुभा द्यावी, एवढं मी त्यांना विनंती करतो. गेले 6 महिने झाले या कोविडच्या संकटामध्ये आम्ही सगळे फसलेलो आहोत. 6 महिन्याच्या आधी ह्या कोरोनाच्या येण्याच्या आधी आम्ही बरेच इव्हेंट केले, कार्यक्रम केले, निर्मात्यांनी कार्यक्रम केले, पण खूप वेळा असं असतं की एखादा कार्यक्रम झाला, एखादा इव्हेंट झाला की त्याला लगेच पेमेंट मिळतं असं नाही. सो काही इव्हेंट केले आहेत त्यांचं अजूनही आम्हाला पेमेंट आलेलं नाही आहे, कारण जो तो आता कोरोनाचं एक भय सांगायला लागला आहे की पेमेंट होऊ शकत नाही, हे कोरोना संपू देत मग तुझं पेमेंट करणार, मग आम्ही तरी कसं जगायचं, मग निर्मात्यांवरती ब्लेमिंग यायला लागतात, मग निर्माता पेमेंट करत नाही त्याच्यावरती सगळ्या आशा येऊ लागतात, मग शेवटी आम्हाला निर्मात्यांना या संघटनांना आपल्या कलाकारांचं पोट आमच्या निर्मात्यांवरती असतं, मग त्यांना पेमेंट करावं लागतं, मग आम्हाला पेमेंट कोण करणार. या 6 महिन्यांमध्ये आम्ही अगदी भिकेला लागलो आहे, जगायचं तरी कसं जगायचं, याच्या आधी कलाकार म्हणून जगतच होतो, पण निर्माता होण्यासाठी एक मोठं भ्याड असतं, निर्माता होण्यासाठी एक मोठी शक्ती निर्माण करावी लागते, निर्माता होण्यासाठी एक मोठी ताकद निर्माण करावी लागते, हजारो लाखो कलाकारांना एकत्र करण्याची एक संघटना करावी लागते, त्या कलाकारांना बघायचं असतं. शेवटी ह्या काही दिवसांमध्ये आमच्यासारखे गरीब कलाकार मेले हो, काय बोलायचं त्यांच्याबद्दल, कलाकार हा स्वतः बदनाम होऊनच कलाकार झालेला असतो. शेतकऱ्या त्यांना पॅकेज द्यायला तुम्ही सुरुवात केलेली आहे, इतर ओला असेल, उबेर असेल, रिक्षा असेल, त्यांना सगळ्यांना परमिशन दिलेलं आहे, ऑलरेडी मेडिकल चालू आहेत, हॉस्पिटल चालू आहेत, भाजीवाल्यांना तुम्ही परमिशन दिलं, ट्रान्सपोर्ट सेक्शनला तुम्ही परमिशन दिलं आहेत, मग कलाकारांना तुम्ही का ना परमिशन देत. अरे कोविड सेंटर आहेत, लाफ्टर सांगितलं आहे, रामदेव बाबांनी पण सांगितलं आहे की हसण्यामध्ये आपल्याला ऊर्जा निर्माण होते, तुमची ह्युम्युनिटी पॉवर वाढते, मग ती पॉवर वाढवायला आम्हाला कलाकारांना संधी द्या ना, आम्ही तुमच्याकडे भीक मागत नाही आहे, आम्ही हक्काचं आमचं व्यासपीठ मागतोय ते आम्हाला तुम्ही द्या, त्याच्यानंतर गरज लागणार नाही. आम्ही सांगतो ना तुम्हाला, आम्हाला कोविड सेंटरला करायचे, कोविड सेंटरला जो त्यांचा मरीज ॲडमिट आहे, म्हणजे त्याच्या घरातला एक कोण ॲडमिट आहे तिथे त्याला साधा डबा पण घेऊन जात नाही का, तर त्याच्याने मला कोरोना होऊ शकतो, पण आम्ही कलाकार खंबीरतेने सांगतो त्या मरीजासाठी, त्या रोगीसाठी, त्या बाधितसाठी आम्ही जाऊन पीपीटी गाठ घालून त्याला आम्ही खुश करण्याचं कार्य करू शकतो, हे आम्ही आत्मीयतेने सांगतो. म्हणून सांगतोय आमचं हसणं, जगणं, मरणं हे सगळं काही तुमच्या हातामध्ये आहे, आता तुम्हीच आम्हाला सांभाळून घ्या आणि आमची व्यथा समजा आणि कृपया आम्हाला पुन्हा उभं करण्यासाठी ऊर्जा निर्माण करून द्या. कोविड की वजह से आज जो हम लोग का बिजनेस था, जैसे हमारे पास जो छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी में समझो 20 वर्कर है, बड़ी कोई कंपनी है तो समझो उसमें 40 वर्कर है, तो आज जैसे अगर 20 वर्कर है तो आज ये कोविड की वजह से हम उनको ना पगार दे पाए, ना कुछ खाना पीना दे पाए, ना कुछ कर पाए. आज ऐसा प्रॉब्लम है कि जहाँ तक हमारे पास पैसा था, जो एंड सीजन में ये सब चीज़ हो गई, आज जहाँ तक हमारे पास पैसा था तभी तक हमने उनको दे दिया, लेकिन आज 6 महीना हो गया तो 6 महीने के बाद आज उनको देने के लिए पैसा नहीं है. इवन अगर हम भी नहीं देंगे तो जगह मतलब कुछ अपना रोजी रोटी चलाएंगे कैसे, आज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. अगर हमको आगे चल के अगर सरकार ने अगर समझो ये परमिशन भी दे दिया, तो ये परमिशन देने के बाद भी आज हमारे पास वर्कर नहीं है तो हम लोग काम धंधा कैसे चलाएंगे, ये आज सबसे बड़ा हमारा इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है. और आज जो हमारे से छूट गए, जैसे 20 हमारे पास वर्कर थे, तो इनको अगर पैसा नहीं दिया हमने तो हमारे से निकल गए, लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी हमको अगर वापस खड़ी करनी है तो हमने इसके लिए क्या करना है. हमारा सरकार से यही कहना है कि जो हमारा 6 महीना बाद हो गया है, 6 महीने में हमारा जितना नुकसान हो गया है, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो आप सरकार की तरफ से हमको कुछ पैकेज यहाँ मिल जाए, ये हमारा कहना है. बताना जरूरी है कि नई मुंबई परिक्षेत्र में 2000 से अधिक कलाकार और उन पर आश्रित हजारों लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट में हैं. उनके लिए समाधान सुझाते हुए युवा नेता निशांत भगत ने महानगर पालिका और राज्य सरकार से कलाकारों को कोविड केयर सेंटर में मनोरंजन का मौका देने की मांग की. निशांत भगत ने कहा कि यदि मनपा अपने सभी कोविड केयर सेंटर में टेलीविजन की बजाय इन कलाकारों को मनोरंजन का मौका देती है तो इससे जहां मरीज तनाव मुक्त रहेंगे, वहीं बेकार बैठे कलाकारों को भी रोजी रोटी और जीने का जरिया मिल जाएगा. यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि एक फोटोग्राफर था,
फोटोग्राफर के नीचे को फोटोग्राफर, फिर बाद में उनका एडिटर, ऐसे कम से कम 5-6 लोगों का चयन है और 5-6 लोगों के पीछे उनकी माँ बाप बेटा बीबी, और साथ ही साथ आपने देखा रहेगा कि निर्माता जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है उनके पीछे फिर वो डांसर होते हैं, वो साउंड सिस्टम वाला होता है, साथ ही साथ उनके साथ में बजाने वाले कलाकार होते हैं, सिंगर होते हैं, ऐसे में हर तरीके के लोग जो आज इस इंडस्ट्री के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल तो छोड़ो, अभी उनको घर में बैठना पड़ा है क्योंकि 6 महीने से पूरा का पूरा सब बंद है, और वो चाहते हैं कि जब भी हर खुशी के दौरान हमको बुलाया जाता है, लेकिन ऐसे घड़ी में हम लोग के पास कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे साउंड वाले भी थे, म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, ड्रमर थे, सब लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन आज उनके पास ध्यान देने वाला कोई नहीं है। तो बस हम लोग चाहते हैं कॉरपोरेशन के तरफ से क्या हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से क्या हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से उनको कौन से लेवल पे मदद हो सकती है उनको, या फिर उनका जो कर्जा है वो कर्जा माफ़ हो सकता है क्या, या फिर उनको सब्सिडी दी जा सकती है क्या, ऐसे लेवल पे कुछ ना कुछ उनको मदद, कौन से लेवल पे मदद हो सकती है वो गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, और नहीं हो सकते तो कॉरपोरेशन के तरफ से, जैसे हमने अभी कहा कि उनको कोविड केयर सेंटर में कम से कम रोज़गार दो, उनको एक मौका दो, ये सभी घटक के लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपना यहाँ पे बात रखी है, और मैं चाहता हूँ कि उनकी बात सब लोग सुनने के बाद गवर्नमेंट भी जागेगी और कॉरपोरेशन भी जाके उनको कुछ ना कुछ मौका दे देगी। बता दें कि नवीनभाई पुनर्वसन सामाजिक संस्था 15 अगस्त से लगातार मुक्त व्यासपीठ आयोजित कर रही है। इसका मकसद उन पीड़ित लोगों को मंच उपलब्ध कराना है जो रैली या मोर्चा की बजाय मीडिया और सरकार के सामने खुले तौर पर अपनी समस्या रखना चाहते हैं। तीसरे मुक्त व्यासपीठ में नवीनभाई के कलाकारों, फोटोग्राफरों, इवेंट आयोजकों, गायकों एवं संगीत वादकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मंच उपलब्ध कराने पर भाजपा नेता दशरथ भगत एवं युवा नेता निशांत भगत के प्रति आभार भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।